Press the bell icon and never miss any updates from India Forums. Ta-da! हेलो पीपल, नमस्ते. मैं हूँ तान्या शर्मा और मैं आज आपको अपने नए घर की सार कराने वाली हूँ. लुक एट माय स्टूपिड सिस्टर, शी इज राइट हियर. स्टूपिड व्हाट आर यू? नहीं नहीं, जी मैं एकदम प्यारी बहन. आई नो आई एम योर प्यारी बहन. दिखाओ दिखाओ लोगों को, बताओ. इतनी मेहनत से साफ सफाई करके हमने ये घर साफ सफाई तुम नहीं करती. She doesn't do any work, please, for God's sake. I am the younger one, ना इसलिए ना ऐसे थोड़ा काम चोरी करना मेरा हक है. So yeah, हाँ, अपने मेरे लिविंग रूम में खड़े हुए हैं. इतना कोई आलिशान नहीं है, बट जितना भी है छोटा सा प्यारा सा हमारा घर है. और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये टीवी एरिया है, ये मेरी मम्मी का एरिया है, ये मंदिर एरिया है. मम्मी पागल हो गई, ये मंदिर ढूंढ ढूंढ के लेके आई है. ये मंदिर, इसमें घंटियाँ है स्पेशली फॉर भगवान जी. और मेरा फेवरेट पार्ट जो लिविंग रूम का है वो है मेरा शैंडलियर, मेरा फेवरेट, मेरा प्यारा दुलारा. मैं इतनी मुश्किल से चूज करके इसको लेके आई हूँ, इतनी मेहनत से चल फूल के. बस हाँ, वो डाइनिंग एरिया है, वहाँ पे मेरी सोना मोना रोना सब है वहाँ पे शुक्रिया में. और ये है बड़ा सा मिरर. मिरर्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि मैं हर जगह अपने आप की शक्ल देख सकूँ. एक्टर्स आर सेल्फ ऑब्जेस्ड, ऐसा ज़रूरी नहीं सब सेल्फ ऑब्जेस्ड होते हैं. एवरीबडी लव देम सेल्फ. ये है फोटोग्राफ जो दीदी डोमिनेट कर रही है फिलहाल. ये मेरी दीदी शर्माती हुई, इसी से इसको शादी का रिश्ता आएगा. ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है, समीक्षा की लाइफ बन गई है अभी टीवी पे आके. ये दोस्ती. और ये मैं हूँ, ये मेरी टेली कैलेंडर की है. मंगल, तू तू तेरा ब्लू सूट. और ये है हमारा बालकनी. ये मम्मी का इनोवेटिव आइडिया है, जो पाइप को उन्होंने प्लास्टिक के क्लाइंबर से सब सजा दिया है. ये रेड फ्लावर भी उनके सर वाला है लेकिन उन्होंने डाल दिया है. और नॉट टू फॉरगेट, ये जो आप कलाकारी दिख रहे हो, ये जो आप कलरफुल सा लैम्प देख रहे हो, ये मेरी बहन ने अपने हाथों से पेंट किया है. ये क्रिएटिविटी मेरी बहन ही कर सकती है बस. और यहाँ पे हमने, सिंस हम दिवाली पे यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो हमने यहाँ पे बहुत बड़ी से लैंप लगाए हैं. बट द बेस्ट थिंग हियर इज द व्यू. दिस इज माय कॉर्नर ऑफ, लाइक दिस इज माय बेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, क्योंकि यहाँ पे बैठ के हम बहुत सारा ट्रैफिक देखते हैं और बहुत सारी लाइट्स देखते हैं. सुबह अगर आप उठोगे तो वहाँ पे पहाड़ भी दिखेगा, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है क्योंकि मुंबई में पहाड़ों के बीच उठना इज वेरी डिफिकल्ट. बट या, वी गॉट दिस हाउस एंड वी आर सो हैप्पी. तो मैंने तो आपको मेरा फेवरेट कॉर्नर बता दिया है घर का, लेकिन अब मैं आपको ले जा रही हूँ मेरे रूम में. दीदी का रूम कम, मेरा रूम ज्यादा. दीदी आ जा. She always wants to kill me, but she hates me like she loves me. It's उल्टा. Oopsie. Yeah, so this is our room, very simple. ये वार्डरोब है, ये बेड है, और ये बिल्कुल गर्ली टाइप की कर्टेन्स है, पिंक एंड व्हाइट. बट जिस चीज में हमने सबसे ज्यादा मेहनत की है वो है हमारा ड्रेसिंग टेबल. दीदी दिखा दो, दिखा दो हमने कितनी मेहनत की है, दिखा दो लाइट्स खोल के. ओप्स, ओ ये, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट माय रूम जो मुझे लगती है. एंड पता है, दो साल से मेकअप करने की आदत हो गई थी लाइट्स में, तो हमने सोचा कि घर पे भी यही लगा दीजिए, तो इसलिए मैंने LEDs लगा दिए हैं. और अभी हमें बिल्कुल सेट वाली फीलिंग आती, याद ही नहीं आती सेट की एकदम. तो जैसे आप देख रहे हो कि बिल्कुल थोड़ा तो गर्लिश, थोड़ा सा गर्ली वाला फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि ये पिंक कर्टन्स है, ये वाइट वाला ड्रेसिंग टेबल है. ये मुझे गिफ्ट किया था किसी ने, और ये मेरी मम्मा दीदी. ऑल्सो आई लव दीज. ये जैसे मैंने आप बोला था कि शैंडलियर अपने हाथों से चुन के मैं लेके आई हूँ, वैसे ये फ्लावर्स मेरे प्यारे.
बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, मतलब दीदी और मैंने हमारे इस रूम को. तो लेके चलती हूँ मैं हमारी. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द बालकनी इज कि आप 3 बजे उठो या 4 बजे उठो, ट्रैफिक फिर भी रहता है. नहीं बट आई थिंक रात में जैसे आप अभी देख रहे हो कितनी किचकिच है, कितनी किचकिच है, बट थोड़े देर के बाद 12-1 के बाद वो इतना शांत हो जाता है और बहुत मज़ा आता है. यहाँ पे बैठ के आप बातें कर सकते हैं, आप चाय पी सकते हो, आप यहाँ पे हम लोग झूला लगवाने वाले हैं तो हम झूला लगवा के चिल कर सकते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ चिलिंग प्लेस. तो चलिए मैं आपको इस घर का सबसे बोरिंग सा रूम दिखाती हूँ, मेरे मम्मी पापा का. ओह आई फॉरगॉट टू शो यू दिस. Here is Windchime. ये बहुत ही कलरफुल विंडचाइम है, मेरी मम्मी मर रही थी ये लेने के लिए, बट ये मम्मी के लिए मैं लेके आई हूँ बाहर से. अब मेरे पापा को हाय बोलेंगे. हाय पापा. पापा चिल कर रहे क्योंकि अभी वो ऑफिस से आए हैं और आप देख सकते हैं कितना बोरिंग सा रूम है ये. लेकिन हाँ जो सिंपल सी चीजें होती है, ड्रेसिंग टेबल एंड मेरे पापा इम्पोर्टेंट. अरे बाप रे, मम्मी मार डालेगी मुझे कि मेरे को हग नहीं करते, पापा को हग करेंगे. बाहर अगेन सेम चीज, बालकनी है, बट गेस व्हाट, किसके पास मास्टर बेडरूम है, गेस कर लो. हमारे पास वो मास्टर बेडरूम था. अभी देखो हमारे फ्रेंड्स आते हैं, हम स्लीप ओवर करेंगे तो हमें थोड़ा सा बड़ा रूम चाहिए ना, इसलिए मम्मी पापा को हमें छोटा रूम दे दिया है ना दीदी. हाँ तुम्हारे फ्रेंड्स आते हैं और किसी के फ्रेंड्स आते हैं. और चमेली व्हाट, आज आपको लग रहा हो कि मैं डांट रही हूँ? ये हो झूठी, मुझे ये मारती है, चिल्लाती है मुझ पे, मम्मी आ जाओ. अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मम्मी मेरी गई है मथुरा. एड्रेस भी दे 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 दे. अरे ये दिस इज ऑल्सो अ कॉर्नर, ये भगवान जी का कॉर्नर है. हमारी किचन बड़ी गंदी सी है. अवॉइड अवॉइड अवॉइड, क्योंकि अभी मम्मी ने अगर ये गंदी किचन देख ली तो हम तो गए. चलो बस किचन में खाने का सामान है जो अभी नहीं है हमारे पेट में. एक साथ तो हम रोज दिखते हैं अगर आप घर पे आएंगे तो. लेकिन यस, टेलीविजन पे हम ट्राई कर रहे हैं कोई अच्छा प्रोजेक्ट, कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट, एंड होपफुली यू विल सी अस सून. हाय दिस इज तान्या शर्मा, यू आर वॉचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स. डू सब्सक्राइब टू देयर यूट्यूब चैनल इंडिया फोरम्स.